शुभ प्रभात मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए, ठीक है। हिंदी व्याकरण, व्याकरण वाटिका, ओके। आप लोग सभी इस किताब को निकालिए, व्याकरण वाटिका। अध्याय एक, हमारी भाषा, पेज 6। आप लोग सभी निकालिए हमारी भाषा। बच्चों, हम भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सबका अपना अपना भाषा है। जैसे चिड़िया चहकता है, कुत्ता भौं भौं करते हैं, तो ये जब जो आवाज़ निकलते हैं, देखिए यहाँ भी है कबूतर गुटरगू, मोर कै कै, कौवा काँव काँव, तो ये सब जो है क्या कर रहा है, अपना अपना आवाज़ निकाल रहा है। तो क्या है, हम भाषा, पर हम लोग क्या है, मनुष्य है। हम लोग मनुष्य, जब भी ये लोग आवाज़ निकल रहा है, पर आवाज़ निकलने से ही तो हम लोग समझ में नहीं सकेंगे, उन लोग का भाषा उन्हीं लोग समझते हैं। पर मनुष्य क्या करते हैं, अपना भाषा के द्वारा अपना मन का भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप देखो चित्र में दिया है, मैं पिज्जा खाऊंगा, ये जो लड़का है अभी हाथ उठा के मुँह से बोल रहा है, मैं पिज्जा खाऊंगा। तो सभी समझ गया सुन के कि पिज्जा मांग रहा है। मैं पढ़कर बताऊंगी, देखो चित्र में दिया हुआ है, तो कुछ पढ़कर सुनाना चाहती है, ठीक है, लड़की है जो कुछ सुनाना चाहती है। आप क्या लेंगे, देखिए बोल रहा है सबको कि आप क्या लेंगे। तो ये सब जो हो रहा है, मतलब वार्तालाप चल रहा है, एक दूसरा को जो बोलना है एक दूसरे को बोल रहा है। तो हम अपनी बात कहते हैं कैसे, कभी कभी बोलकर, कभी कभी लिखकर। ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलकर हम लोग बहुत सारा मन का बात। मम्मी हमको भूख लगी है, आप बोलते हो ना, मम्मी हमको भूख लगी है, देखिए बच्ची है, मम्मी हमको भूख लगी है, तो मम्मी भी समझती है, नहीं मेरा बच्ची को भूख लगी है, मैं जल्दी जल्दी बना के दूंगी। अगर बोलोगे मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मम्मी समझेगी हाँ मेरा बच्ची का पेट दर्द हो रहा है, तुरंत क्या करेगी, वो डॉक्टर खाने लेके जाएगी और दवाई पानी इलाज करेगी। तो हम अपनी बात कहते हैं, कहते कैसे, बोलकर लिखकर। हम दूसरों की बात समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखिए जब बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं सुनकर, और कभी कभी कोई अगर कुछ लिख के रखता तो हम लोग उस लिखित को पढ़कर समझते हैं। वो तो लिख दिया, पर हम लोग को उसको पढ़ना पड़ेगा, उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग को समझ में आएगा। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा लिखकर, अगर आप लिखने जानते हो, और वो इंसान जो देखिए जो पढ़ रही है जो बच्ची, वो अगर उस लिखित को समझ सके, तो पढ़कर तो आपका भाषा समझ जाएगा। आप लोग सभी क्या पढ़ रहे हो, हिंदी, तो हमारी भाषा अभी क्या हो रहा है, हिंदी। आप क्या भाषा सीख रहे हो, हिंदी। अब सुनना बोलना पढ़ना और लिखना,
ये भाषा के काम हैं। आपको समझना है ये चारों को अच्छा से अभ्यास कीजिएगा। सुनना अच्छे से याद करना है लिख के, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा के काम हैं। हम अपनी भाषा बात बोलकर और लिखकर समझते हैं, समझाते हैं। हम अपनी भाषा क्या करते हैं, बात को अपना जो मन का बात बोलकर और लिखकर समझाते हैं, और हम दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे ना, तो सुनकर और समझ और सुनकर और पढ़कर समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी को अच्छे से अभ्यास कीजिए, पेज 6 को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पूरा याद करना है। पेज 6 को अच्छा से कर में अध्ययन कीजिए, ठीक है बच्चों।